आप सभी का K90 चैनल की ओर से धन्यवाद। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, मैं एक क्लास लेकर के आया हूँ जो कि UPP और उससे जितने भी रिलेटेड यूपी रिलेटेड जितने भी आते हैं सब इसमें आप लोग को मिलेगा। यह क्लास जो है पूर्णतया कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित है, यानी कि आप लोगों को अब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो समझ में ना आए या उसको आप नहीं कर पाए। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताया जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आखिर में हर पार्ट में क्या क्या चीज़ है, उस चीज़ के बारे में अपन लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि सब लोग जानते हैं भाग के बारे में, ठीक है। अपन लोग यहाँ पर भाग देखेंगे, भाग प्रथम यानी भाग एक हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में लेकर के आए हैं। भाग एक है, कितने हैं, राज्य और उसका राज्य क्षेत्र, कुल 12 भाग हैं। इन 12 भागों का हम लोग एक एक लाइन से स्टडी करेंगे। प्रत्येक वीडियो में एक एक भाग को लाया जाएगा, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के यानी संविधान के कुल भागों का देखा जाए तो कुल जो है वह 12 वीडियो बनेगा। तो यह वीडियो प्रथम वीडियो है, यानी पहला वीडियो है, यानी पहली क्लास है, और इसके बाद में कुल 11 और क्लासें आना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने से आप लोगों तक चैनल के द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि सबसे भाग एक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोग को अपनी उद्देशिका के बारे में जानना कि भारतीय संविधान की जो है उद्देशिका क्या है। उद्देशिका माने प्रस्तावना, ठीक है। जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उद्देशिका माने होता है प्रस्तावना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग डिस्कस करेंगे प्रस्तावना के बारे में। आखिर प्रस्तावना हमारी क्या है, हमारी उद्देशिका हमको क्या बताती है, तो अपन लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग उसको सही से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जैसा कि आप लोग को पहले से मालूम होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन कर के तैयार हो गया था। संविधान को बनने में, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों का टाइम लगा था, यानी इतना समय जो है संविधान को बनने में खर्चा हुआ था। और पूरी तरीके से संविधान जो लागू हुआ वह 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। आगे बात करते हैं हम लोग कि संविधान में जो ये हमारा कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने स्थापित, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला, ये सारा दोनों जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। यहाँ से क्या पूछा जाता है कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो संविधान संशोधन हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन
1976 में किया गया था। ठीक, आगे क्या है कि संविधान में जो राष्ट्र की एकता शब्द है ये कब जोड़ा गया, ये भी 42वां संविधान संशोधन यानी 1976 में जोड़ा गया। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है 1976, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1976 40वां, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे भाग एक के बारे में कि भाग एक में अर्थात क्या क्या है। तो जैसा कि संघ का नाम राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ बताया गया है, नंबर एक में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि जो हमारा इंडिया है उसमें राज्य आते हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम है राज्य, ठीक है, इसमें राज्य कितने हैं, कितने हैं अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो हम बताए जा रहे हैं, अगर मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट में अपने कमेंट कर दीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। 27 राज्य हैं, ये पहले तो 26 था, बाद में एक राज्य और बढ़ा गया, ठीक है, तो हो गए 27। अब देख रहे थे कौन सा राज्य बढ़ाया गया है, तो राज्य जो है वो तेलंगाना, ठीक है, ये जो है राज्य बढ़ाया गया है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो फरी वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 29 राज्य हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो राज्य जो है 29 राज्य हैं, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है, और 7 जो हैं, ठीक है, 7 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, आगे चलते हैं कि आगे क्या है इसमें, तो नंबर 2 में बताया गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो अपनी पहली जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। राज्य के राज्य क्षेत्र क्या है हमारा, यहाँ पर राज्य के राज्य क्षेत्र, और यहाँ पर पहले अनुसूची में राज्य क्षेत्र और ऐसे राज्य जो अर्जित किए गए हैं यानी दोबारा उनको बनाया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ आता है, कि दूसरा नंबर में आ जाता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश उसकी स्थापना कर सकेगी। यानी यहीं से बता दिया गया है कि हम लोग जो हैं नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं और उसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया है वह राज्यों से मिलकर के बना है, यानी स्टेट से मिलकर के बनाया गया है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या बताया गया है यहाँ पर कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद द्वारा ही स्थापित कराया जा सकता है, यानी कानून के द्वारा ही उसको स्थापित कराया जा सकता है। किसी राज्य में उसको राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र का किसी अन्य राज्य के भाग मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, यानी संसद जो है वो नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकेगी, सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, राज्यों का नाम परिवर्तित कर सकेगी। आगे क्या है, परंतु इस प्रयोजन के लिए विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्दृष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी क्षेत्र के सीमाओं पर नाम पर पड़ता है, वहाँ जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश के विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है, इस प्रकार वह अवधि समाप्त किया जाएगा तथा उसे पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा।
आगे देखते हैं। स्पष्टीकरण जो है इसके बारे में दिया गया है कि यह अनुच्छेद के खंड का फे खंड अंगा के राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु परंतु का के राज्य के अंतर्गत राज्य क्षेत्र नहीं है। नंबर दो बताया गया है कि स्पष्टीकरण खंड का द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या राज्य संघ क्षेत्र के किसी भी भाग को किसी अन्य राज्य संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलकर नए राज्य व नए संघ का निर्माण करना। अब आगे देखते हैं क्या बताया गया है कि पहली सूची और चौथी सूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसंगिक और परिमाणिक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद दो अनुच्छेद तीन के अधीन बनाई गई गतिविधियाँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर अभी आप लोग को भले ही नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन अभी हम लोग आगे वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें आप लोग को बताया जाएगा कि आप लोग MCQ कैसे हल करें, ठीक है। MCQ भी लेकर आया जाएगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर के आया जाएगा, यानी संविधान पे जो रिलेटेड क्वेश्चन है एक एक चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे और उन चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को आप लोगों के सामने दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आप भी अपना जो है प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हम लोग समझेंगे कि हाँ, आप लोग को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया कि अनुच्छेद दो या अनुच्छेद तीन में विनिर्दिष्ट किसी विधि में अब पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो विधि के उपबंधों या प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक अनुसंगिक और परिणामिक उपबंध भी ऐसी विधि से प्रभावित या राज्य के संसद और विधानमंडल या विधान मंडल के प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है अंतर्निष्ठ हो सकें उन्हें समझेंगे। पूर्वोक्त विचार प्रकार की कोई विधि 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में ये बताया गया है कि उसका नाम हम लोग बदल सकते हैं, क्योंकि पहले से बताया गया है कि जो हमारा संविधान है वह संविधान राज्यों से मिल, जो देखा जाए हमारा इंडिया जो है वह राज्यों से मिलकर के बनाया गया है। राज्य का मतलब है कि इसमें टोटल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके बनाया गया है, तो इंडिया का निर्माण हुआ है। तो संविधान में ये हम लोग को नियम या कानून बनाया गया हम लोगों के लिए कि हम लोग कोई भी राज्य का निर्माण कर सकते हैं और उसकी सीमा बदल सकते हैं और उसका नाम बदल सकते हैं, लेकिन संसद के द्वारा यह पारित होना चाहिए, ठीक है। तो तभी हम उसका नाम परिवर्तित कर सकते हैं, अन्यथा उसको पारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।